और नोएडा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ट्विन टावर के तबाह होने की उल्टी गिनती शुरू। आपको बता दें कि 28 अगस्त की दोपहर गिरा जाएंगे ट्विन टावर। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, ट्विन टावर की उल्टी गिनती हुई शुरू। 28 अगस्त की दोपहर गिरा जाएंगे ट्विन टावर। ट्विन टावरों में तेजी से लगाए जा रहे हैं विस्फोटक। एमरॉड कोर्ट अपार्टमेंट सेक्टर 93 में बना है ट्विन टावर। सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कंपन ना हो इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। 32वें मंजिल में विस्फोटक लगाने का काम जारी है। ऊपर से एक एक मंजिल छोड़ लगाया जा रहा विस्फोटक। 40 से अधिक मजदूर विस्फोटक लगा रहे हैं। विदेशी इंजीनियर लगातार कर रहे देखरेख। व्यवस्था पर नजर रखने के लिए विदेशी इंजीनियर लगाए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका और भारत के विशेषज्ञों की देखरेख में ये विस्फोटक लगाए जा रहे हैं। 7 दक्षिण अफ्रीका और 10 भारत के विशेषज्ञों की ये टीम है। नजदीकी सोसाइटी के निवासी धूल से परेशान हालांकि हो रहे हैं। नजदीकी सोसाइटी का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया। 40 से अधिक मजदूर लगा रहे हैं विस्फोटक। विदेशी इंजीनियर लगातार कर रहे हैं देखरेख। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मुनेन्द्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मुनेन्द्र, क्या कुछ जानकारी है ट्विन टावर को गिराने को लेकर? 28 अगस्त को अब ट्विन टावर जो है वो गिरेगा ही गिरेगा। अब ऐसे में क्या कुछ तैयारियां जो है वो की गई हैं फिलहाल? आज ये मान के 22 अगस्त है और 28 अगस्त को ट्विन टावर को गिराया जाना है, तो उल्टी गिनती बिल्कुल शुरू हो चुकी है, पूरी तैयारियां हो चुकी है। एक टावर जो इनका पूरा है 32 फ्लोर का, उसके अंदर विस्फोटक लगाए जा चुके हैं, 2-3 पहले लगा दिए गए थे। और जो दूसरा टावर है उसमें विस्फोटक मतलब 6 फ्लोर का लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस शनिवार तक या फिर अगले 3 दिन के अंदर में विस्फोटक लगाने का काम पूरा कर लिया जाना चाहिए। तो उसी हिसाब से 28 अगस्त को पूरी तैयारी है ट्विन टावर गिराने की, और 28 अगस्त के बाद भी ये बिल्डिंग नोएडा में नहीं दिखेगी, ये आप मान लीजिए। ठीक है मुनेन्द्र, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक लंबी टीम जो है वो लगाई गई है। 32वें मंजिल में विस्फोटक लगाने का काम जारी है। एक एक फ्लोर छोड़कर विस्फोटक लगाए जाएंगे, एक एक मंजिल पर ये विस्फोटक लगाए जाएंगे। साथ ही साथ विदेशी कुछ यहाँ पर विशेषज्ञ लगाए गए हैं, इंडियन कुछ विशेषज्ञ लगाए गए हैं। 40 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं। एक बड़ी तैयारी जो है वो हमें फिलहाल नजर आ रही है। बिल्कुल, इस तैयारी को लेकर के लगातार इसकी डेट्स पीछे होती रही है। पहले इससे पहले इसकी कोई और डेट थी, इसके बाद कुछ और डेट हुई है। ये तैयारी जो है नोएडा तो लगातार चाहती है कि तैयारी को सुरक्षा इंतजाम को बार बार ट्राई कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए, जिससे किसी तरीके की कोई दिक्कत या कोई परेशानी उस समय ना हो, कोई जनानी ना हो। इसलिए बार बार इन डेट्स को पीछे किया गया, और ये बड़ी तैयारी इसलिए बार बार टेस्ट की जा रही है। फिर से स्ट्रक्चर को टेस्ट किया जाता है, बार बार जो इनकी तैयारियां हैं उनको दोबारा से चेक किया जाता है कि कहाँ पे ये गिरेगा, कहाँ पे ये नहीं गिरेगा। इसीलिए चीजें, इसीलिए इसकी डेट्स बार बार पीछे हुई है। हाँ बिल्कुल मुनेन्द्र, लेकिन लगातार धूल जो उड़ रही है उससे कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है, और आसपास के लोगों को इसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां जो है की गई? देखिए, इसकी मैं अगर बात करूं धूल मिट्टी की, तो ये दोनों जो सोसाइटीज हैं बिल्कुल मिली हुई हैं इस ट्विन टावर से। अगर कोई हल्की सी भी वहां पर एक्टिविटी होती है धूल मिट्टी की, तो इन दोनों सोसाइटीज में धूल मिट्टी का जाना पक्का है, तो ये तो अभी नहीं रुक सकती। लेकिन जो सुरक्षा इंतजाम की अगर बात करें, तो कोशिश यही की जा रही है कि जो भी इनके निवासी हैं उनकी सुरक्षा और बिल्डिंग की सुरक्षा को बार बार चेक किया जा रहा है, जिससे कि अगर मान लीजिए किसी वजह से भी कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी घटना होती है कि ट्विन टावर का कोई भी पार्ट इधर उधर गिरे, तो कोई नुकसान ना हो या फिर ऐसी कोई घटना ना हो। बिल्कुल बिल्कुल मुनेन्द्र, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। जानकारी के लिए शुक्रिया। बता दें कि विदेशी इंजीनियर लगातार देखरेख कर रहे हैं, व्यवस्था पर नजर रखने के लिए विदेशी इंजीनियर भी मौजूद हैं। दक्षिण अफ्रीका और भारत के विशेषज्ञों की देखरेख कर रहे हैं विस्फोटक। 7 दक्षिण अफ्रीका और 10 भारत के विशेषज्ञों की टीम लगाई गई है।